हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। इसमें हम बात करेंगे राइट टू नो द कॉजेज ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। हाँ जी, हमें ये अधिकार प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि यदि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है तो हमको एट दैट पॉइंट कारण बताया जाए। ओके, चलिए इसको विस्तार में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 22 क्लोज 5 में हमको राइट टू नो द कॉजेज ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया गया है। ये हमको अधिकार प्राप्त है। तो निरोध आदेश जारी करने वाले अफसर को गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देनी चाहिए। ये कारण स्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिए, यानी कि उसको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, अर्थात वे ऐसी भाषा में हो जिसे निरुद्ध व्यक्ति समझता हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक केस बताऊंगी जो कि है न्याय नमल प्रताप मल बनाम भारत संघ AIR 1982 SC 1500 में निरुद्ध व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में गिरफ्तारी के कारणों को लिखकर दिया गया था, जबकि यह मालूम था कि वह अंग्रेजी नहीं जानता। इन तथ्यों पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि अनुच्छेद 22 के 5 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया है, अतः निरोध अवैध है। दूसरी शर्त ये है कि जो आधार बताए जाएं वे निरोध आदेश देते समय मौजूद होने चाहिए। निरोध आदेश के आधार पर कोई अंश ना तो छिपाया जा सकता है और ना ही कोई नया आधार जोड़ा जा सकता है। संक्षेप में, निरोध के आधार और उद्देश्य के बीच जिसको विधायिका निवारक निरोध कानून पास करके पूरा करना चाहती है, युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। यदि कारण स्पष्ट और असंगत है तो गिरफ्तारी अवैध घोषित की जा सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22 क्लोज 5, राइट टू नो द कॉजेज ऑफ अरेस्ट। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा।